और धनबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो के जीत को लेकर चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से स्टार प्रचारक के रूप में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, धनबाद लोकसभा प्रत्याशी डुल्लू महतो समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि आप लोगों को का उत्साह देखकर लग रहा है कि धनबाद लोकसभा सीट जीत चुके हैं, केवल काउंसिल काउंटिंग बाकी है। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटाकर रामलला का मंदिर बनाकर हिंदू का दिल जीत लिया और इस बार 400 सीट आए हैं तो मोदी मथुरा में कृष्ण मंदिर भी बनाएंगे। साथ ही कहा कि मैं जब से मुख्यमंत्री बना तब से असम के सारे मदरसा को बंद करवा दिए हैं और पूरे देश में भी मदरसा को बंद कर दिया जाएगा। राजीव गांधी ने कौन सा शेड्यूल कास्ट को कॉर्पोरेट बनाया, नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति बनाया है, नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों को देश का राष्ट्रपति बनाया है। राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू विरोधी में नहीं हो बोलने से नहीं होगा, आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा, आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा। किसलिए? ये भारत देश हिंदू सिविलाइजेशन है, ये भारत ऐसे नहीं आया है, 5000 साल से भारत हिंदू ने सजाया है। आप पे आरोप लग रहा है कि 400 आएगा आपके पास तो आप लोग संविधान बदल देंगे। देखिए, संविधान बदलने का जरूरत क्या है, मोदी जी का पास आज भी 400 सीट है। मोदी जी ने संविधान को बदलाया कि संविधान को शक्तिशाली किया। संविधान में क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाइए, कांग्रेस ने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान में जो लिखा हुआ अम्बेडकर जी ने जो लिख किया उनको कांग्रेस ने कभी पालन नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ राजीव गांधी ने कौन सा शेड्यूल कास्ट